बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देही। बंदौ संत असज्जन चरना, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संत हो चाहे असज्जन हो, दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, ये दोनों ही दुखप्रद हैं, हालांकि इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर भी है। बिछरत एक प्राण हर ले, अर्थात इन दोनों में से एक ऐसा है जो सज्जन या संत व्यक्ति है, वो ऐसा है जब वो आपसे बिछड़ेगा तो आपको ऐसा दुख होगा मानो आपके शरीर से प्राण निकलने वाले हों। मिलत एक दुख दारुण देही, और इनमें से एक ऐसा है यानी जो दुष्ट व्यक्ति है, जो असज्जन व्यक्ति है, वो ऐसा है कि वो जब जब आपसे मिलेगा वो आपको ऐसे दुख देगा जो दारुण होंगे। दारुण दुख का अर्थ होता है कि ऐसे दुख जो कि बहुत ही निर्दयता के साथ दिए जा रहे हों। रामचरितमानस की ये चौपाई बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रामचरितमानस के खल वंदना नाम के सेक्शन से ली गई है। खल वंदना का अर्थ होता है दुष्टों की वंदना। रामचरितमानस संसार में एकमात्र ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जहाँ पर दुष्टों की भी चरण वंदना करी है गोस्वामी तुलसीदास ने। अन्यथा आप दुनिया का कोई सा भी धर्म ग्रंथ उठाओगे, वहाँ पर दुष्टों को तरीके तरीके से सजा देने, उनको मृत्युदंड देने तक के तरीके बताए हुए हैं। हालांकि एक प्रश्न ये भी उठता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने दुष्टों की वंदना क्यों की, तो इसका जवाब भी मैं आपको आगामी वीडियो के माध्यम से दूंगा, इसलिए आप मुझसे जुड़े रहें। साथ ही मैं अपने आराध्य से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, जो व्यक्ति इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और राम नाम का प्रचारक बने, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी मत आने देना। नमस्कार, जय भरतपुर।